नमस्कार एन भारत पर स्वागत है आपका। और इस वक्त की बड़ी खबर उत्तर प्रदेश से आ रही है, जहां पर शिया वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष वसीम रिजवी ने बड़ा बयान दिया है। वसीम रिजवी के मुताबिक हिंदुस्तान के हिंदुओं को कोरोना के जरिए मारने की साजिश रची जा रही थी और ज़्यादा जमातियों के जिस तरीके से मिलने का सिलसिला जारी है, कोरोना पॉजिटिव जमाती लगातार मिल रहे हैं और डॉक्टरों को भी परेशान कर रहे हैं। इन्हीं तमाम बातों को लेकर वसीम रिजवी ने आशंका जताई है और आरोप लगाया है कि जाकिर नाइक ने मलेशिया में बैठकर कोरोना जिहाद का प्लान किया और हिंदुस्तान में बड़ी संख्या में कोरोना पॉजिटिव जमातियों को भेज दिया गया। ये बेहद अहम खबर उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से, जहां पर वसीम रिजवी ने बड़ा आरोप लगाया है। जितनी बड़ी संख्या में जमाती कोरोना पॉजिटिव हिंदुस्तान में पकड़े जा रहे हैं, उससे साफ है कि तबलीगी जमात ने कोरोना वायरस के जरिए आत्मघाती हमला हिंदुस्तान पर करने की साजिश की थी। आंकड़े देखकर लगता है कि जमातियों की साजिश 1 लाख से ज्यादा हिंदुस्तानियों को मारने की थी। मलेशिया जमातियों की भूमिका इस कोरोना आत्मघाती हमले में अहम होने की वजह से जाकिर नायक जो मलेशिया में रह रहा है उसका भी इस साजिश में शामिल होने से इनकार नहीं किया जा सकता। जो जमाती बम डिफ्यूज होकर अस्पताल पहुंच गए हैं वो डॉक्टरों को इसलिए परेशान कर रहे हैं कि डॉक्टर हिम्मत हार जाए और दूसरों का इलाज ठीक से न कर पाए। ये साजिश का दूसरा पार्ट हो सकता है।